गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस लेसन में अब तक हम पढ़ चुके हैं परावर्तन, परावर्तन के नियम, और परावर्तन होता है दर्पण में, तो दर्पण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे लेंस। लेंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चैप्टर में अपवर्तन पढ़ा है और लेंस में अपवर्तन होता है, तो लेंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो लेंस, लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब वो किस प्रकार बनते हैं, ये सभी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। तो लेंस क्या होता है? देखो, लेंस, लेंस आपने देखा भी होगा, जैसे ये स्पेक्स में लगे हुए हैं, ये लेंस है। लेंस एक कांच का टुकड़ा है, एक ऐसा कांच का टुकड़ा जिसकी दो सतह होती है। इसकी दो सतह, इसको पकड़ के देखोगे तुम्हें दो सतह दिखाई देगी, थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, एक इस साइड इसकी एक सतह दिखाई देगी, एक दूसरी साइड दिखाई देगी। तो गोलीय लेंस, गोलीय लेंस जो होते हैं उसके उसमें एक सतह का गोल होना जरूरी होता है, तभी उसका नाम गोलीय लेंस है। जैसे या तो वो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है, या इनके अलावा तीसरे टाइप का वो ऐसा भी हो सकता है या वो ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? दो सतह में से एक सतह का गोलीय होना जरूरी है, तभी उसको हम गोलीय लेंस कहेंगे। दूसरी सतह वो गोल भी हो सकती है या फिर समतल भी हो सकती है, ठीक। अब लेंस की कार्य शैली अपवर्तन पर निर्भर करती है, क्योंकि हमें पता है लेंस कांच का टुकड़ा है और कांच एक अलग माध्यम है, तो प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो उसका अपवर्तन होगा, इसलिए लेंस की कार्य शैली अपवर्तन पर निर्भर होती है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जिसको कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, इसको बाई कन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार का बीच से मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। बाई कन्वेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो दो सरफेस हैं, दो सतह हैं जो कि कन्वेक्स है, तो इसलिए बाई कन्वेक्स। सिंपली इसको हम कन्वेक्स लेंस कहेंगे, बाकी ये होता बाई कन्वेक्स है, तो ये उत्तल लेंस, हिंदी में उत्तल लेंस, बीच से मोटा किनारों से पतला। अवतल लेंस बीच से पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है। अब उत्तल लेंस अगर तुम इसको पकड़ के देखोगे तो महसूस करोगे कि ये बीच से मोटा होगा, और अवतल लेंस को ये लैब में होते हैं उसको उठा के देखना तो महसूस करोगे कि बीच से पतला होगा। अब उत्तल लेंस जो होता है, जब उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पे पड़ती हैं तो वह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है। जैसे ये प्रकाश की किरणें आई, समानांतर आई, तो ये इनको किसी एक बिंदु पे केंद्रित कर देगा, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। जबकि अवतल लेंस जो होता है वो इसके विपरीत प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, मतलब अपसारित करता है, इनको दूर दूर भेज देगा, इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, अवतल लेंस अपसारी लेंस। क्यों? क्योंकि ये किरणों को दूर दूर भेज देता है, ठीक है। जिस प्रकार हमने दर्पण में पढ़ा फोकस दूरी, उसी प्रकार लेंस की भी अपनी एक फोकस दूरी होती है, क्योंकि गोलीय लेंस है तो ये किसी न किसी गोले का हिस्सा होते हैं। जैसे हमने पढ़ा उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस इसके तो दो सतह हैं, दो सरफेस हैं, तो ये दो सतह इसके दो गोले के भाग हो गए। अब हमने पढ़ा था कि जैसे ये सतह है, इसके अगर हम इसको पूरा करें तो ये एक गोला बन जाएगा, और इस गोले का कोई ना कोई केंद्र भी होगा जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसी प्रकार जो ये सतह है इसको अगर हम पूरा कर दें ऐसे गोलाई में तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा, वो भी वक्रता केंद्र होगा। इसका मतलब है इसी लेंस के पास दो वक्रता केंद्र होते हैं, और वक्रता केंद्र को हम लिखते हैं सी। तो
लेंस में तो दो वक्र का केंद्र है तो हम उनको नाम रखेंगे C1 और C2। ये जो लाइन है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार दर्पण में बीच में एक बिंदु या मैंने बताया था एक पॉइंट बताया था इसको बोलते हैं ध्रुव, उसी प्रकार लेंस में बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको ओ से दिखाते हैं, ओ क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे सी वक्र का केंद्र इसका इस वाली से जाएगा और यहाँ पे सी इस वाली से जाएगा। अब दोनों को सी सी लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया C1, इसको लिख दिया C2। ठीक है, अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए एक क्रियाकलाप हम कर सकते हैं। कैसे, उत्तल लेंस को किसी स्टैंड पे लगाओ और इसका इसकी सतह को सूर्य के सामने रखो, किसी पेज को इसके पीछे रखो और सूर्य का प्रतिबिंब उस पेज पे प्राप्त करने की कोशिश करो। जब तुम्हें एक बिल्कुल ब्राइट सा स्पॉट चमकीला सा बिंदु दिखाई देने लग जाए तो समझ लो उस बिंदु पे सूर्य का प्रतिबिंब बन चुका है। वो जो ब्राइट सी स्पॉट दिखाई देती है, चमकीले से बिंदु दिखाई देता है, तो वो बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब होता है। देखो सूर्य कितना गर्म है, वो उस बिंदु पर जब सूर्य का प्रतिबिंब बन जाएगा तो वो बिंदु बहुत अधिक गर्म हो जाएगा और गर्म होकर जलना शुरू कर देगा। तो जिस जगह पे हमने लेंस को रखा था और वो बिंदु जहाँ से जलना शुरू किया था उसके बीच की दूरी वो होती है फोकस दूरी, वो हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सूर्य से आने वाली किरणें वो समानांतर होती है, दर्पण में हम पढ़ चुके हैं। तो समानांतर आने वाली किरणें जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु उस दर्पण का या उस लेंस का मुख्य फोकस होता है। तो ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस किसका, इस सतह का। देखो ये वाली सतह है, इस साइड वाली, इसका ही मुख्य फोकस है। अगर इसका उल्टा करेंगे, इस साइड से किरणें जाएंगी तो इसका भी कोई ना कोई मुख्य फोकस इस साइड आ जाएगा। यहाँ एफ लिख दिया, यहाँ भी एफ लिख दिया। अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से का मुख्य फोकस है, इसलिए हम इसको F1 लिखेंगे, इसको F2 लिखेंगे। ठीक है, मुख्य फोकस, सारी दूरियां लेंस में प्रकाशित केंद्र से मापी जाती हैं। तो हमें पता है कि मुख्य फोकस और पर ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, यहाँ पे ध्रुव की जगह क्या है, प्रकाशित केंद्र है। तो प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी ये भी फोकस दूरी है। हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। तो ये F1 है, हम यहाँ पे C1 को 2F1 लिख देते हैं क्योंकि ये F1 का दो गुना है, इतनी दूरी का दो गुना है तो 2F1 लिख दिया। ऐसे C2 को हम 2F2 लिखते हैं। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है, ये उत्तल लेंस के लिए हो गया। अगर हम देखें अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस में भी इसी प्रकार ये मुख्य अक्ष, बीच में इसका प्रकाशिक केंद्र, इस वाली सतह का देखो इसका मुख्य फोकस इसी साइड होएगा, तो F1 यहाँ 2F1, इस वाली सतह का F2 और 2F2। ठीक, ये बातें याद रखनी है। अब अगर हम लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ बातें याद रखनी है। जैसे दर्पण में भी हमने पढ़ा था कि कौन सी किरण जब कहाँ से आती है तो वो कहाँ से गुजरती है, वो वाली चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी पड़ेगी। क्यों, जब हम उत्तल लेंस द्वारा या अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ते हैं तो हमें उनका रे डायग्राम, उनके रे डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। रे डायग्राम मतलब रेखित डायग्राम, मतलब हिंदी में रे डायग्राम को बोलते हैं आरेख चित्र, क्या बोलते हैं उसको, किरण आरेख। रे डायग्राम को बोलते हैं किरण आरेख। तो किसी भी लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम किरण आरेख द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, और किरण आरेख को बनाने के लिए हमें कम से कम दो किरणें तो जरूर चाहिए।
तो कौन कौन सी किरण कहाँ से गुजरती है और कहाँ से टकराने के बाद या अपवर्तन के बाद वो कहाँ से जाएगी वो देखते हैं। देखो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ से अगर समानांतर कोई प्रकाशीय किरण आती है तो वो मुख्य फोकस से गुजरती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये तो पता ही है उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए अगर हम देखते हैं तो अवतल लेंस ऐसा होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, प्रकाश की कोई किरण जब समानांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार। तो ये तो बात होगी उस किरण के लिए जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। दूसरा, अगर प्रकाश की कोई किरण अगर ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वो प्रकाशिक केंद्र से बिना किसी अपवर्तन के चली जाएगी, उसका अपवर्तन नहीं होगा, मतलब जैसे अगर ऐसे गई तो ऐसे ही निकल जाएगी सीधी, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरी, अगर हम देखें अगर प्रकाश की कोई किरण मुख्य फोकस, देखो ये F1 होता है, F1 से गुजर के लेंस पे गिरे ऐसे, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर हम अवतल लेंस में देखें इस प्रकार, देखो ये मुख्य अक्ष है, यहाँ इसका फोकस है, तो वो ऐसे फोकस में ऐसे गई, जाना था उसको फोकस की तरफ, ये फोकस में से गुजर गई, लेकिन वो यहाँ से बिंदु पे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो हमने तीन किरणों के बारे में बात की है, एक प्रकाश की वो किरण जो मुख्य अक्ष से समानांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, एक वो प्रकाशी किरण जो मुख्य फोकस से पहले गुजर जाएगी अपवर्तन के पश्चात वो समानांतर हो जाएगी, और एक वो प्रकाश की किरण जो प्रकाशित केंद्र से गुजरेगी उसके ऊपर कोई परिवर्तन कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है ये बात। अब देखो सब कुछ बहुत आसान है, अगर हम तरीके से समझेंगे तो ये चीजें बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और इनमें से प्रश्न आता ही आता है। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो वही चीजें पढ़ेंगे जैसा दर्पण में हमने पढ़ा था कि वस्तु कहाँ रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, यही चीजें देखनी हमने कि उसका आकार मतलब उसकी ऊंचाई देखेंगे हम, प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसकी स्थिति देखेंगे कहाँ बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है ये देखेंगे, प्रकृति देखेंगे कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ठीक है ये बात पहले भी सीख चुके हैं तो हमें पता भी है। एक बात पहले जो बता चुका हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये दर्पण में भी मैंने बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और एक पहले बता देता हूँ, उत्तल दर्पण ज्यादातर प्रतिबिंब वास्तविक ही बनाता है, उसकी एक स्थिति ऐसी होती है बस जिसमें वो आभासी बनाएगा, बाकी सारे प्रतिबिंब उसमें वास्तविक बनते हैं। जिस प्रकार अवतल दर्पण में सारे प्रतिबिंब वास्तविक थे एक स्थिति को छोड़ के, उसी प्रकार उत्तल लेंस में सारे प्रतिबिंब वास्तविक होंगे सिर्फ एक स्थिति को छोड़ के। तो हम स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, पेपर में ऐसा ही आ जाएगा सीधा सा कि कोई किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अनंत पर है उत्तल लेंस द्वारा, तो हम उत्तल लेंस बना देंगे, ये मुख्य अक्ष बनाया, ये इसका प्रकाशित केंद्र है, ये F1 है, ये 2F1 है, यहाँ F2 है, ये 2F2 है, ये सभी बात ये तो बनाना ही बनाना है, समझिए इतना तो बना ही सकते हैं सभी क्वेश्चन में जो भी लिखा है वो देख के इतना तो बना ही सकते हैं। अब वस्तु रखी है अनंत पर, और वस्तु जब अनंत पे होती है तो उससे आने वाली किरणें ज्यादातर किरणें समानांतर ही होती हैं। अब ये प्रकाश की किरण एक ये है, हमने कोई दो किरणों को लेना है, तो अपवर्तन के पश्चात हम पढ़ चुके हैं कि
समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पे प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। ये दो ही स्थिति मुख्य फोकस पर, ठीक है। कैसा होगा? अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा, बहुत छोटा है, डिमिनिश्ड साइज, और वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। जब वस्तु अनंत पे है प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस पे, अत्यंत छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। अब स्थिति बदलेंगे हम, ठीक है। स्थिति कैसे बदलेंगे? जब वस्तु, देखो ये 2F1 है, वस्तु को थोड़ा आगे ले आओ। जब वस्तु 2F1 से परे रखी हुई है, अब कोई निश्चित दूरी पे है, मतलब अनंत पे नहीं है, कोई निश्चित दूरी पे है। दूसरे है, जब वस्तु 2F1 से परे है, जब वस्तु 2F1 से परे है, ठीक है। अब जब वस्तु 2F1 से परे है, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, F1 2F1 F2 2F2, यहाँ वस्तु रखी हुई होगी, ये वस्तु रखी हुई है। हमें पता है इससे आने वाली कोई समानांतर किरण को मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। अब मैंने बताया था कि प्रकाशी कोई किरण जो प्रकाशी केंद्र से ऊपर जाती है वो सीधी निकल जाएगी बिना किसी ये गए। तो एक ये कहां प्रतिच्छेद करती है? यहां पे। तो ये प्रतिबिंब बनेगा। देखो कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक बना है, क्योंकि किरणों ने वास्तव में प्रतिच्छेद किया है, तो वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, और F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये कब बनेगा? जब वस्तु 2F1 से परे है। अब अगर वस्तु 2F1 पे है, तीसरी स्थिति है, अगर वस्तु है 2F1 पे, वस्तु 2F1 पे रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है, F1 है, 2F1 है, F2, ठीक है। वस्तु ने कहा 2F1 पे, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है 2F1 पे, ये रखी हुई है। अब समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण वो अपवर्तन के पश्चात किस में से जाती है? हमें पता है मुख्य फोकस से गुजरेगी। हमें पता है प्रकाश की कोई किरण प्रकाश के केंद्र से जाती है, तो वो सीधी चली जाएगी बिना किसी अपवर्तन के। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो प्रतिबिंब भी यहाँ बनेगा 2F2 पे। कैसा होएगा? समान साइज का होगा। जित अगर वस्तु 2F1 पे है तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, जितनी वो वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। याद रखना, उल्टा और वास्तविक होगा। ये स्थिति इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है। उसके बाद वस्तु अगर 2F1 और F1 के बीच में है, अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है, ये उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। अब वस्तु रखिए यहाँ पे, ये रखिए 2F1 और F1 के बीच, समानांतर प्रकाशीय किरण इसमें से जाएगी मुख्य फोकस से, कोई प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली ये गई, तो कहां प्रतिच्छेद किया? यहां पे। तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। अगर वस्तु 2F1 और F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब 2F2 से परे बनेगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है, इतनी सी बात। अब वस्तु को और आगे ले आओ। अगर वस्तु है F1 पे रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है F1 पे, अवतल लेंस,
मुख्य अक्ष प्रकाशीय केंद्र F1, 2F1, F2 और 2F2। अब वस्तु रखी हुई है F1 पे, वस्तु रखी है यहाँ पे, ये रखी है वस्तु। अब हमें पता है समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजर जाएगी और प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरणें ऐसे चली जाएगी। ये किरणें एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब अनंत तक चली जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, अगर वस्तु F1 पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वही होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। अब आती है इसकी एक खास स्थिति, जब वस्तु कहाँ होती है, F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच में रखी है, ठीक है, यहाँ रखी हुई है। अब देखते हैं ये खास स्थिति, उत्तल दर्पण सॉरी उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशित केंद्र O, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है, F1 और O के बीच, यहाँ रखी है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण किसमें से जाएगी, मुख्य फोकस से जाती है, हमें पता है। और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी चली जाएगी, ये ऐसी जाएगी। देखो ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, लेकिन तुम अगर इनको पीछे बढ़ाओगे, थोड़ा सा पीछे, ऐसे पीछे ले जाओगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी पीछे, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा 2F1 से पीछे, परिबन बनेगा डॉट 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 डॉट, क्यों ये डॉट क्यों लगाए मैंने, क्योंकि ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, ये प्रतिबिंब आभासी है। तो क्या हो गया, जब वस्तु को F1 और O के बीच में रखा तो प्रतिबिंब दर्पण के उसी साइड बना, आभासी बना, आभासी है ये, ठीक है, सीधा है। देखो मैंने बताया था आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो ये आभासी बना तो सीधा है और बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गए इसके गुण, आभासी, सीधा तथा बड़ा, ये सारे थे उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अगर हम बात करें अवतल लेंस की, जिस प्रकार हमने बात करी थी उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण में हमने दो स्थिति पढ़ी थी कि वस्तु अनंत पर है, एक तो ये स्थिति, दूसरा वस्तु कोई निश्चित दूरी पे है, मतलब अनंत से, अनंत और प्रकाशिक केंद्र, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, बीच में रखी हुई है कहीं पे। तो ये दो स्थिति पढ़ी थी हमने, इसमें उत्तल दर्पण में, तो अवतल लेंस में भी ये दो ही स्थिति पढ़नी होती है, बस ये अवतल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र F1, 2F1, F2, 2F2। तो वस्तु अगर अनंत पे है, अगर वस्तु अनंत पे है अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो हमें पता है ये तो अपसारी लेंस है, तो मतलब किरणों को एक बिंदु पे नहीं मिलाता, ये दूर करता है, ये आई और ये चलेगी, ऐसे करेगा, ये आई और ये चलेगी। अनंत पे जब वस्तु है तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, लेकिन पीछे बनाने पे ये यहाँ पे, यहाँ प्रतिच्छेद करती है। तो अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है, ये आभासी होगा, छोटा होगा और सीधा होगा, बात याद रखना, आभासी होगा, मुख्य फोकस पे बनेगा, छोटा होगा और सीधा होगा। अब वस्तु कहीं भी रखो, इसके अलावा तुम कहीं भी रख लो, मतलब O और
ओ और अनंत के बीच कहीं भी, मतलब 2F1 से परे, 2F1 पे, F1 पे कहीं भी रखो, उसका प्रतिबिंब एक जैसे ही बनना है, मतलब F1 और O के बीच में बनना है, और छोटा बनना है, आभासी बनना है और सीधा बनना है। जिस प्रकार उत्तल दर्पण कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, उसी प्रकार अवतल लेंस कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन वो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, आगे वस्तु कहीं भी रखो तो प्रतिबिंब O और F1 के बीच में ही बनेगा, छोटा और आभासी बनता है। ठीक है, धन्यवाद, याद रखना। देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं फिजिक्स का, हो सकता है कुछ टीचर्स भी मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर किसी बिंदु पे किसी पॉइंट पे आप लोगों को ये लगता है कि ये पॉइंट, ये बात सर ने ठीक नहीं बताई, तो आप मुझको मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, किसी बिंदु पे अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो इतनी सी बात, ये आप लोगों ने इनको रिवाइज करना है, बुक उठानी है, उसको पढ़ना है, ये सब स्थितियाँ इनको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।